हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट हजर व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? और अब अगला व्लॉग आने वाला है आपके लिए। तो गाइस, ये वाला जो व्लॉग रहेगा ना गाइस, ये वाला रहेगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मेरे फादर को L4-L5 स्पाइनल सेगमेंट में दिक्कत आ गई थी। तो ये स्पाइनल हेल्थ रिलेटेड व्लॉग रहेगा, जिसमें उनको साइटिक नर्व में बहुत पेन हुआ था। तो मैंने उनको बहुत जगह दिखाया, 40 से लेकर जलंधर, यमुनानगर और शिमला में भी दिखाया उनको, बहुत सारी चीज़ें, फिजियोथेरेपी भी कराई। तो मैं कहाँ कहाँ गया उनकी इस पेन को लेकर सर्दियों में, तो उस पर ये व्लॉग रहेगा। शायद किसी के लिए ये जो ये व्लॉग है वो हेल्पफुल रहे। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। हमारा खाना हो गया है और अब राकेश भाई लेके जाएंगे हमारे को वापस होटल। ये देखो यार, एप्पल वाला शीशा, एप्पल वाले फोन के लिए एप्पल वाला शीशा। ये देखो यार, भैंसों को देखकर, उपलों को देखकर हमें लग रहा है पता है कि वी आर इन हरियाणा। और ये देखो विलेज लाइफ, हम पहुंचने ही वाले हैं अब, वी आर अबाउट टू रीच मछरौली। ये देखो ट्रैक्टर यहाँ पर जोड़ लगा रहा है, जैसे लगा रहा है ना जोड़, और वैसा। और गेहूं है और है गन्ना। हाँ भाई, के करना लाग रहा, कहाँ गुजरी है तू? देखो यार, मेहनत देखो आप हरियाणा की, लेकिन ना ये बीच बीच में ये ईंटों की भट्टी से देखो पॉल्यूशन भी हो रहा है, पर सुंदर है जगह। ये देखो यहाँ पे गन्ना, ये तो 10-10, 12-12 फीट का हो गया यार। Take the next left. और यहाँ पर है खराब। ये हम आ गए हैं ग्राम पंचायत मछरौली, अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट ले, ये देखिए आप। देखो हम पहुंचे हैं यहाँ पर, और वेरी नाइस प्लेस। और यहाँ पर पंचकर्मा सेंटर भी है, कंप्यूटराइज लैब। तो यहाँ पर इनको ना चलने में प्रॉब्लम हो रही है। आए हैं हम बैक साइड को, और पापा को ना थोड़ी चलने में दिक्कत थी, बोलते व्हील चेयर ही ले आओ। तो उम्मीद करता हूँ कभी किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े यार वैसे। और यहाँ पर बैक साइड में देखो भैंसों का तबेला। कोई गिलहरी मिल रही तो मैं पत्थर मार दूंगा उसको, क्योंकि सुधीर गिलहरी को पत्थर मारता है ना। ये है गोबर के उपले, और इसको हरियाणा में बोला जाता है बिठोले। तो ये है, ये देखो कितने सारे बनाए हुए हैं यार बिठोले। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है बहुत सारी गाय और भैंसे, ये देखो इनके लिए पानी पीने के लिए क्या सही जगह बनाई है। ये देखो हरा हरा घास खा रहे हैं। हेलो, ये देखो, हाय, इसको तो ये तो मेरी दोस्त बन गई यार। और उस साइड को है उनके लिए हरा हरा घास। यहाँ पर हनी सर ने अटेंड कर दिया है, अभी चाय पी रहे। और ये है आम, सामने आम के पेड़। ट्रीटमेंट हो गया है, वी आर हेडिंग बैक टू होम। अभी तो हम जा रहे हैं फिलहाल जगाधरी, जहाँ पर बर्तन मिलते हैं कांसे के और सब चीजें मिलती है। तो जगाधरी होते हुए जा रहे हैं घर को। मटका चौक से हमने ले लिया था लेफ्ट, और हम पहुंच गए जगाधरी। और अभी जा रहे हैं मेहताब, जो फैक्ट्री है एक, जैसे आपको पता है जगाधरी में बर्तन एंड ऑल चीजें बहुत सस्ती पड़ती है। तो हम कांसे की थालियाँ लेने आए हैं यहाँ पर। तो
जगाधरी ना यार बहुत ज़्यादा फेमस है बर्तनों के लिए, बड़े बर्तन हो छोटे हो, यहाँ तक कि होटल का जो सामान जाता है होटल के बर्तन भी जगाधरी से जाते हैं। भोडुरो मासो खाने के लिए ये ले जाना है, 10 लीटर है इसमें लगभग 12-15 आदमी का खाना। अभी 20-25 नहीं यार 30,000 का सामान ले लिया, 30,500 का, और साथ में ले लिया ये। अब निकल रहे हैं वापस, और इस डील में कुछ नहीं तो 10,000 तो बचा ही दिया होगा हमने, क्योंकि यहाँ पर सस्ता सामान नहीं। जगाधरी से थोड़ा आगे पोंटा रोड में है और यहाँ पर रुके हैं पंजाबी रसोई जो फूड पार्क है। अभी मैं आया हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, तो अचानक से आना पड़ा यार रात को, पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इधर आके लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन फोर्टिस। तो अभी तो हमने इमरजेंसी में दिखाया और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी दवाइयाँ दी है, बट अच्छा था यार, मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, वेरी नाइस। तो हम सुबह सुबह आ गए हैं फोर्टिस, यहाँ पे है टोकन सिस्टम और बहुत ही शानदार लोग। हम लोग आए हैं बफे और पापा कर रहे हैं लंच अभी। वापस आगे चंडीगढ़ से अभी पहुंचे हैं जाबली, और आजकल ना यार हर जगह पे पूरा सजा हुआ है एकदम कमराओं में अभी हम, और देखो क्या लिखा है, खींच दी है तो खींच के रख वरना 755 के पीछे रख। यार ये बड़े फनी होते हैं, बाजी अपनी तो खींच के रहती है गड्डी। तो पापा की डिस्क प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमने फोर्टिस और मचरौली में तो दिखा दिया था, लेकिन सोचा कि पंचकर्मा भी करा लेते आयुर्वेदिक हॉस्पिटल छोटा शिमला में। यार हम है अपने फेवरेट जगह पर जो है क्रेजी ग्रिल मलयाना, और हमें कौन मिला यहाँ पे, विजू भाई और नेगी जो, नेगी जी से ना मैं 1.5 साल बाद मिल रहा हूँ और आज फाइनली मैंने कहा आज तो मिलना ही है, तो हम थोड़ा सा गेट टुगेदर किया। और तूने क्या क्या हाल किया मेरी टोपी का, इसके फुल उड़ू कहाँ है? ओ भाई साथ रखे निकाल दिए। अच्छा ये साथ रखे आपने, मतलब जो स्पेयर पार्ट्स जो अनयूज्ड है वो भी साथ रखे, इसको आप पहनो गले में घंटी बांध के। और विजय भाई भी ना ब्लॉगर बन गया है, विजय भाई ब्लॉगर बन गया है, इनका यूट्यूब चैनल का नाम है विजय ब्लॉग्स। yes. ये देखो ब्लॉग शूट कर रहे हैं अभी। चटनी के लिए
यार ये ना कोल्ड जोन है, यहाँ पे ठंड से मर जाते हैं वहाँ के साथ। कान ऐसे हो गए यहाँ पे, आईजीएमसी वाला एरिया, इट्स टू कोल्ड। गाड़ी के अंदर आ गया और अभी ना पूरी बर्फ जमी है यार, बहुत ठंड है। ओ माय गॉड, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, शिट। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये देखो मैं आ गया था रात को जलंधर, और ये कितने खूबसूरत कबूतर बैठे हैं यहाँ पे। तो यार हम आए हैं जलंधर लामड़ा पिंड, क्योंकि पापा को हिस्क की प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, तो उनको पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा दिया, यमुना नगर, फोर्टिस और छोटा शिमला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लेके आए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ। फाइनली हम आए हैं यहाँ पर KL दोधी लामड़ा वाले। तो यहाँ पर देखो आप, तेल से मालिश होती है और रीढ़ की हड्डी के एक्सपर्ट हैं। देखते हैं कितना फ़ायदा यहाँ पे मिलता है, अगर मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, आप लोग भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग आए हैं आज फोर्टिस पापा के बिल सबमिट करने, यार बहुत परेशानी है, अब देखते हैं कहाँ जाके फ़ायदा होता है उनको। यार पापा को ना काफ़ी दर्द है डिस्क में, तो बहुत जगह स्पाइन का ट्रीटमेंट करा लिया, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या चाहे आयुर्वेदिक हो। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, पंचकर्मा वहाँ पे हुआ उनका, और साथ में फोर्टिस गए थे हॉस्पिटल, और आयुर्वेदिक इलाज भी हुआ यमुनानगर से, जलंधर से, तो सारे नुस्खे अब सही कर दिए। तो लास्ट में फिजियोथेरेपी करा रहे हैं यहाँ पर, रिलैक्सेशन फिजियोथेरेपी, केयर टू क्योर पीपल सूची का बहुत ही अच्छा एक फिजियोथेरेपिस्ट है यहाँ पे शिमला में। तो साथ में ही यहाँ पे है होटल आशियाना क्लार्कसन। लगभग एक हफ्ता फिजियोथेरेपी कराने के बाद और सभी जगह पे दिखाने के बाद थोड़ा तो असर हो रहा है पापा को, तो जैसे जैसे गर्मी आएगी तो और चीज़ें बेटर होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये व्लॉग देखा, अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है मुझे, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत कॉमन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को।